कोरोना के वक्त शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बावजूद राज्य सरकार और एनसीटी के मेडिकल कॉलेजों को साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में गंभीर नहीं है। मेडिकल में न केवल राज्य के बल्कि 2-3 पड़ोसी राज्यों से भी मरीज आते हैं। मेडिकल में पिछले 2 वर्ष से MRI मशीन बंद है। इसमें मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर टेस्ट कराना पड़ रहा है। निर्धन व जरूरतमंदों के लिए निजी अस्पताल का खर्च वहन करना मुश्किल है। इस संबंध में भाजपा कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष भास्कर पराते के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने वैद्यकीय अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द से जल्द मशीन शुरू कराने की दिशा में कार्य करने की मांग की है। चर्चा के दौरान भास्कर पराते ने बताया कि 2 वर्ष से मशीन बंद होने के बाद भी कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। निर्धन व जरूरतमंद आस लगाए मेडिकल में आते हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। निजी अस्पतालों में MRI जांच के लिए 7,000 से 10,000 रुपए लगते हैं। मशीन दिसंबर 2019 में ही कालाबाह्य हो गई, तब से लेकर अब तक केवल कागजी कार्यवाही में ही वक्त गंवाया गया। आघाड़ी सरकार सरकारी अस्पतालों को लेकर गंभीर नहीं है। 2 वर्ष तक मेडिकल को बिना MRI मशीन के रखा जा रहा है। मरीजों के साथ ही उपचार करने वाले डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। समय पर टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने से इलाज में देरी होती है। इससे मरीजों की जान को खतरा बढ़ सकता है। एक और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्धन मरीजों के इलाज को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। इससे सरकार की संवेदनशीलता का परिचय हो जाता है। इस अवसर पर नितेश मांडवकर, यश पांडे, श्रीकांत ठाकरे, मंगेश कामाड़ी, अमृत भानु से, सुरेंद्र बेदी, चेतन पौनीकर, प्रीतम बोकड़े, रुपेश निमजे और कामगार आघाड़ी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।